हेलो दोस्तों, मैं अर्चना सिंह हाजिर हूँ आपके सामने शेड हेल्मस्टेटर की एक बहुत ही बेहतरीन बुक क्या कहें जब स्वयं से बात करें के साथ। क्या कहें जब स्वयं से बात करें, अध्याय 15। जीवन में आपकी आवश्यकता या स्थिति चाहे जैसी भी हो, जब आप आत्मचर्चा का प्रयोग करना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले किस चीज के लिए करें, यह इस बात से तय होगा कि आप सबसे पहले अपने जीवन के किस पहलू को ठीक करना चाहते हैं। आत्मचर्चा का एक निरंतर सशक्त बनने वाली आदत है। आप इसका जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही अधिक प्रयोग करते जाते हैं। इसलिए इसकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं होती कि आप इसका प्रयोग सबसे पहले किस चीज के लिए करते हैं, बल्कि इस पर होती है कि आप इसका प्रयोग आरंभ कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं या आपके लक्ष्य कौन से हैं, आप अतीत में सफल हुए थे या असफल, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मचर्चा के शब्द प्रत्येक इंसान के लिए समान शक्ति से काम करते हैं। मानव मस्तिष्क की कार्यशैली आपके जीवन की स्थिति परिस्थिति के प्रति पूरी तरह तटस्थ होती है, अतः आत्मचर्चा का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसके परिणामों से लाभ उठा सकता है। सक्रिय आत्मचर्चा के प्रयोग से अंतर पड़ता है, इसके कई ढंग होते हैं, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आइए अपने कैरियर और व्यक्तिगत जीवन की कुछ परिस्थितियों पर नजर डालें जिनसे हमारी आत्मचर्चा के द्वारा पहले से भी अच्छा बनाया जा सकता है। वैसे आत्मचर्चा का प्रयोग करने की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, सीमा इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति की होती है। लोगों की जितनी आवश्यकता होती है इसके उतने ही उपयोग संभव हैं। इनमें से अधिकतर उदाहरण किसी न किसी समय और किसी न किसी प्रकार से हम सभी पर लागू होते हैं। आत्मचर्चा को कार्यान्वित करना, यदि आप प्रबंधन में शामिल हैं, हम सभी किसी न किसी प्रकार के मैनेजर होते हैं। अच्छा प्रबंधन दो भागों में बटा होता है, प्रभावशाली प्रबंधन सदा सफल आत्म प्रबंधन से आरंभ होता है। हो सकता है कि आपके पास प्रबंधन की डिग्री हो लेकिन दूसरों का प्रबंधन करने की अनिवार्य योग्यता न हो। आप दूसरों के प्रबंधन में तब तक माहिर नहीं बन सकते जब तक कि आप प्रबंधन में महारत प्राप्त न कर लें। सच्चे नेताओं का अपने आप पर दृढ़ नियंत्रण रहता है, उनका अपने कार्यों भावनाओं और दृष्टिकोण पर पूरा नियंत्रण रहता है। अच्छा मैनेजर बनने की दूसरी अनिवार्य आवश्यकता यह है कि दूसरों के गुणों और योग्यताओं को कैसे तराशा या निखारा जाए। आत्मचर्चा प्रबंधन की इन दोनों ही आवश्यकताओं को धीरे धीरे प्रभावित करती है। मान ले समान योग्यता वाले दो मैनेजर प्रत्येक मायने में समान हैं। उनमें से एक सकारात्मक आत्मचर्चा का प्रयोग करता है जबकि दूसरा नहीं करता। पहला मैनेजर अपने कर्मचारियों में सकारात्मक आत्मचर्चा के दृष्टिकोण को विकसित करता है जबकि दूसरा नहीं करता, तो किस मैनेजर के सफल होने और किसके असफल होने की संभावना अधिक है? प्रत्येक मैनेजर के पास लगभग प्रतिदिन अथवा प्रत्येक परिस्थिति में आत्मचर्चा पर अमल करने का असाधारण अवसर मौजूद होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धा करे, विकास करे और समृद्ध बने, तो अपनी प्रबंधन टीम के साथ आत्मचर्चा करें। बेहतर होगा कि कर्मचारियों को बदलने की अपेक्षा उनके आंतरिक नहीं कर सकता को बदलना आरंभ करें। उन्हें यह क्षमता दिखाएं, उनमें आत्मविश्वास जगाएं। आत्मचर्चा यह काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है। जिस क्षेत्र में यह सबसे अच्छी तरह काम करती है वह है ठीक समय सही काम को सही ढंग से करने में दूसरों का प्रबंधन करना। क्या आप अधिक आमदनी या अपने आर्थिक स्थायित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं? हमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आमदनी की सीमा अपने आप ही निर्धारित करता है। हमारी आमदनी की सीमा हमारे ही भीतरी विश्वासों से निर्धारित होती है। यदि आप अधिक कमाई करना चाहते हैं तो अपने आप को योग्य अधिकारी सक्षम और इच्छुक व्यक्ति के रूप में देखना आरंभ करना होगा और ऐसा करने के लिए स्वयं को दोबारा निर्देशित करना होगा। जब हम अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हम में बहुत से लोग समस्या को गलत सिरे से सुलझाने की गलती कर बैठते हैं। हम ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि अधिकाधिक धन कैसे कमा सकते हैं।
इससे पहले हमें यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम यह करने में सक्षम हैं। अपने महत्व और मूल्य के बारे में अपने आप से बातचीत करें। जब आप अधिक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में अपनी एक नई तस्वीर बना लें, तो आपका अवचेतन मन अधिक धन कमाने का ढंग खोजने में आपकी सहायता करेगा। मैं आपकी आर्थिक संपत्ति बढ़ाने के काम को इतना सरल नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैंने सीखा है कि आज आप जिस स्थिति में हैं, यह पैसों पर उतना निर्भर नहीं करता जितना दृष्टिकोण, विश्वास और संकल्प पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी आमदनी बढ़ाने की इच्छा को लेकर सचमुच गंभीर हैं, तो आत्मचर्चा और आर्थिक महत्व पर 3 सप्ताह तक आत्मचर्चा करें, फिर अपने लक्ष्य निर्धारित करें और योजना को लिख लें। जब आप निर्धारित कर लें कि आप कौन हैं और सचमुच क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो यह देखना कहीं अधिक आसान हो जाता है कि इसके बाद आपको क्या करना है। अपनी प्रोग्रामिंग से आरंभ करें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यदि आपके बच्चे हैं, आप बच्चों को शिक्षित करते हैं या बच्चों के साथ किसी प्रकार का कार्य करते हैं। मैंने ये कहानी कई बार सुनी है कि घर में नई आत्मचर्चा आरंभ करने से बच्चों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिकतर मामलों में एक या दोनों अभिभावक किसी समस्या का समाधान करने या अपने कुछ लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा का प्रयोग आरंभ कर देते हैं। आत्मचर्चा प्राय एक क्षेत्र से फैलकर दूसरे क्षेत्रों में भी उचित आत्मचर्चा को बल प्रदान करती है। इसलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि बच्चे जब इसे बार बार घर में प्रयोग होते देखते हैं, तो वे इसे ग्रहण कर लेते हैं और संयोगवश इसका प्रयोग आरंभ करते हैं। मैंने हमेशा यह पाया है कि बच्चे सकारात्मक आत्मचर्चा को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, कुछ हद तक अभिभावकों से भी अधिक आसानी से। संभवतः बचपन में हम अपने बारे में अच्छी चीजें सुनने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। हमें ऐसी प्रत्येक चीज का उत्साह से स्वागत करने के अधिक इच्छुक होते हैं। हमारे आंतरिक स्वरूप प्रतिदिन हमारी गलतियों पर झिड़की की अपेक्षा यह सुनना अधिक पसंद करेंगे कि हम कितने श्रेष्ठ बन सकते हैं। बच्चे उस मूल भावना के अधिक निकट होते हैं जिसके साथ हम पैदा होते हैं। जब तक हमारे भीतर इस विश्वास की प्रोग्रामिंग नहीं हो जाती कि हम क्या नहीं कर सकते, तब तक बचपन में हम यह विश्वास करने के इच्छुक होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सफल होने के लिए बेहतर अवसर उत्पन्न करना। किसी ऐसे घर की कल्पना करें जिसमें 2 बच्चे हों, जिनमें से एक बच्चे को सकारात्मक आत्मचर्चा सुनने तथा सीखने की अनुमति दी जाती है और इसके अतिरिक्त इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि दूसरे बच्चे को ना तो आत्मचर्चा सिखाई जाती है ना ही इससे लाभ प्राप्त करने दिया जाता है। यदि दोनों बच्चे अन्य क्षेत्रों में समान हो, तो कल्पना करें कि वे अपने जीवन की स्थितियों में कितने भिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। बच्चा अपने बारे में जो सोचता है उसका इस बात पर प्रभाव दिखेगा कि वह स्कूल में कितना अच्छा प्रदर्शन करता है, किस प्रकार के मित्रों का चयन करता है, दूसरों के साथ कैसे मिलजोल करता है, किशोर अपेक्षाओं की समस्याओं से कैसे निपटता है। गलत राह चुनने के लिए उकसाने वाले साथी समूह के दबाव के बावजूद अपने आप को कैसे नियंत्रित करता है, किस प्रकार का जीवन साथी चुनता है, किस प्रकार का करियर चुनता है और अपने जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। यदि 2 बच्चे हों जिनमें से एक में आत्मचर्चा के कारण प्रबल आत्मसम्मान, अच्छी आदतें और सकारात्मक हाँ मैं कर सकता हूँ की निष्ठा उत्पन्न हो जाए, जबकि दूसरे को अधिकतर बच्चों को नसीब होने वाले साधारण अनिश्चित प्रोग्रामिंग के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो आप किसे वोट देंगे? मैं तो विजेता आत्मविश्वास वाले बच्चे को वोट दूंगा। अनुवांशिकता में मिले जन्मजात गुणों के साथ साथ आत्मविश्वास ही बच्चे का सार है। बच्चा वही बनेगा जो उसका अपने बारे में सबसे प्रबल विश्वास है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही काम करे, तो बचपन से ही आरंभ करें, उसकी आत्मचर्चा से आरंभ करें। अभिभावक मुझसे पूछते हैं, उनके बेटे या बेटी बुरे मित्र ही क्यों खोजते हैं? वास्तव में हम सभी, विशेषकर किशोर,
ऐसे लोगों को खोजते हैं जिन्हें हम अवचेतन रूप से अपने जैसा मानते हैं। यदि कोई बच्चा अपनी कम सकारात्मक तस्वीर देखता है तो वह ऐसे मित्र चुनेगा जो उस तस्वीर के सबसे अनुरूप होंगे, भले ही वे गलत किस्म के हों। दूसरी ओर यदि आप उस बच्चे को एक बेहतर आत्म छवि दे दें, उसके सामने उसकी एक बेहतर तस्वीर रख दें, तो वह उस तस्वीर से मेल खाने वाले समूह से अधिक मित्र चुनेगा। यदि किसी किशोर से कहा जाए कि वह जरा भी अच्छा नहीं है और वह इस पर विश्वास कर ले, तो वह ऐसे मित्र चुनेगा जो जरा भी अच्छे नहीं होंगे या उससे भी बुरे होंगे। आत्मचर्चा इसे बदल सकती है। आत्मचर्चा तस्वीर को बदल देती है, यह प्रोग्रामिंग को बदल देती है जो विश्वास को उत्पन्न करती है, जो दृष्टिकोण को उत्पन्न करती है, जो भावनाओं को उत्पन्न करती है तथा जो व्यवहार को नियंत्रित करती है। कई वर्ष पहले मैंने बच्चों के लिए पुस्तकों की श्रृंखला लिखने का कार्य आरंभ किया। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे छोटी उम्र में ही बेहतरीन आत्मचर्चा सीखकर अपने आत्मसम्मान को बेहतर बना लें। पुस्तकों पर काम जारी रखें, लेकिन उनमें से बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाए गए सेल्फ टॉक कैसेट्स प्रोग्राम का सेट तैयार हो गया, जिसे सेल्फ एस्टीम फॉर किड्स कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 17 वर्ष तक के किशोरों के लिए सेल्फ एस्टीम फॉर ओल्डर किड्स नाम से सेट भी तैयार हो चुका है। किशोरों के लिए तैयार आत्मचर्चा कुछ ऐसे ढंग से प्रस्तुत की गई जैसा कि हम वयस्कों की है। छोटे बच्चों की आत्मचर्चा एक केंद्रीय पात्र के द्वारा उन तक पहुंचती है, जिसे मैंने विशेष रूप से गढ़ा है। उस पात्र का नाम है शैड्रक द बियर। शैड्रक उत्कृष्टता ग्रह से पृथ्वी पर आता है और यहाँ रहने वाले छोटे बच्चों को भयंकर नीगा ट्राइड्स से बचाने में सहायता करता है, जो उनके आत्मसम्मान को चुराने और उनके सुनहरे भविष्य नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जब मैं आत्मचर्चा पर सेमिनार करता हूँ, तो मैं कई वर्षों से छोटे बच्चों, यहाँ तक कि युवा वयस्कों से भी मिल रहा हूँ, जो शैड्रक द बियर की आत्मचर्चा को सुनकर सचमुच बड़े हुए हैं। ऐसे युवाओं से मिलना बेहद उल्लेखनीय है जो अपने घरों में आत्मचर्चा के साथ बड़े हुए हैं। शैड्रक द बियर और आत्मविश्वास के उसके अविश्वसनीय शब्दों को उनके घर तक पहुंचाना एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। यदि आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं या किसी बाधा को पार करना चाहते हैं, हम समस्याएं सुलझाने के लिए आत्मचर्चा के उदाहरणों पर पहले ही बात कर चुके हैं। समस्या छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकता है आत्मचर्चा का प्रयोग करके आप कोई बड़ी दुविधा सुलझाना चाहें अथवा अतीत की छुटपुट शिकायतों को दूर करना चाहें। कुछ मामलों में उचित आत्मचर्चा की थोड़ी सी मात्रा भी एक कदम आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी, जिससे बड़े परिणाम मिलेंगे। आसान शब्द, महत्वपूर्ण परिणाम। मैं एक लाइव रेडियो टॉक शो पर था। उसमें एक महिला ने फोन किया। उन्होंने मुझे और श्रोताओं को बताया कि 2 साल से उसे नौकरी के एक भी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। बरसों पहले वह एक सफल प्रशासकीय सहयोगी थी, लेकिन घर संभालने और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसने नौकरी छोड़ दी। अब वह दोबारा नौकरी करना चाहती है, लेकिन लंबे समय तक घर पर रहने के कारण उसका आत्मविश्वास पूरी तरह समाप्त हो चुका था। समय जितना अधिक गुजरता जा रहा था, उसका यह विश्वास उतना ही बढ़ता जा रहा था कि उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकेगी। 2 वर्षों से वह घर में बैठकर केवल विचारों पर विश्वास करने की बात अपने आप से कहती रही है। फिर उसने इंटरव्यू का बुलावा न आने का कारण बताते हुए कहा कि वह फोन करने का साहस ही नहीं जुटा पाती थी। स्पष्ट है, मैं चंद मिनटों में उसके आत्मविश्वास को नहीं बदल सकता था। उसने इसे बहुत लंबे समय तक बहुत बुरी तरह नष्ट कर डाला था, इसलिए उसे पल भर में बदलना कठिन था। लेकिन उसकी कहानी सुनकर मैं इतना अवश्य बता सकता था कि वास्तव में परिवर्तन करना चाहती थी। इसलिए मैंने सबसे छोटे और सबसे सरल कदम पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने उसे केवल एक आत्मचर्चा बताई, जिसका उद्देश्य यह था कि वह नौकरी का इंटरव्यू पाने के लिए जिस कंपनी के ऑफिस में फोन करना चाहती थी उसे फोन करे। पहले पहला अंक और फिर अगला अंक, फिर अगला अंक, इसी प्रकार। उसने कहा कि वह प्रयास करेगी और उसके बाद हम दूसरे फोन कॉल का उत्तर देने लगे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। 30 मिनट बाद उस दिन की आखिरी कॉलर वही महिला थी जिसने कार्यक्रम में आरंभ में नौकरी की समस्या के बारे में फोन किया था।
उसने पहला अंक दबाया, फिर दूसरा। मैंने उसे बताया था कि यदि वह छोटे छोटे कदम उठाएगी, एक बार में टेलीफोन का एक अंक दबाएगी, तो उसका अगला कदम उतना ही आसान होगा। बस अगला बटन दबाओ और जिस भी समय रुकने की इच्छा हो वह रुक सकती है, लेकिन यदि एक बटन दबाना अच्छा महसूस हो तो वह आगे बढ़े। मेरी बताई आत्मचर्चा का प्रयोग करें और अगला बटन दबा दें। मैं सोचता हूं कि सारे श्रोता और मैं मन ही मन उसे शाबाशी दे रहे होंगे जब उसने हमें बताया कि उसने उस फोन नंबर के सातों अंक दबा लिए थे 2 साल में पहली बार, और वह अगले दिन सुबह 9:30 बजे नौकरी का पहला इंटरव्यू देने जा रही थी। मैं उसकी आवाज की खनक कभी नहीं भूल सकूंगा। यह विशुद्ध उल्लास था, इसमें साफ झलक रहा था मैं यह कर सकती हूं, और मैंने यह कर दिखाया। यह बहुत ही छोटा कदम था, इसमें सकारात्मक आत्मचर्चा के सबसे सरल शब्दों की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता थी। उसने वह कर दिखाया जो वह सोचती थी कि वह नहीं कर सकती। उसने यह काम अपने दम पर किया था। इस प्रकार उसने अपने जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को सकारात्मक ढंग से बदल लिया। आत्मचर्चा सरल थी, लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े थे। यदि आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, मैंने देखा है कि अच्छे लक्ष्य तय करना उन्हें प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। लक्ष्य तय करना और उन तक पहुंचने के लिए काम करना स्वस्थ, अमीर और बुद्धिमान बनने का लक्षण है। सच्ची और स्थायी आत्मसंतुष्टि के लिए सार्थक लक्ष्य अनिवार्य है। सार्थक लक्ष्य तय करने की कल्पना करें और फिर उनमें आत्मचर्चा की अविरल ऊर्जा का ईंधन भरें। संभवतः आप इसके बिना भी उन्हें प्राप्त कर सकें, लेकिन राह कठिन होगी। इसलिए अपने सपनों को जीवन दें और उनमें शक्ति भरें, अपना मार्ग रोशन करें, अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचने का विश्वास रखें, अपने लक्ष्य तय करें, उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करें और मार्ग में प्रतिदिन अपने आप से बातचीत करते रहें। लक्ष्य तय करना और अपने आप से बातचीत करना साथ साथ होता है, लेकिन अपने आप से सही ढंग से बातचीत करेंगे तो राह पर चलना आसान होगा। यदि आप लक्ष्य तय नहीं कर रहे हैं और उन्हें नहीं लिख रहे हैं तो आपको आज ही आरंभ कर देना चाहिए। यदि आप पहले से ही सक्रियता से लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें स्वविश्वास का उपहार दें। लक्ष्यों के साथ दिशा और प्रोत्साहन देने वाली दैनिक आत्मचर्चा के शब्द जोड़ दें। अच्छी तरह तय किया गया लक्ष्य अच्छी तरह कहे गए शब्दों के लाभ का अधिकारी होगा। यदि आप अपनी नौकरी को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में हम सभी दूसरों के निर्देशों के अधीन रहते हैं। हम सभी को कुछ न कुछ नियमों का पालन करना होता है। अपनी नौकरी, पेशे, सहयोगियों और नियोक्ता, बॉस या सुपरवाइजर के बारे में अपना दृष्टिकोण कैसा है, इसका इस बात पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होगा कि आप कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में कैसा अनुभव करते हैं। यदि आप स्वयं से कहें कि यह नौकरी पसंद नहीं है तो आप शायद उसे पसंद नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने मैनेजर, अधिकारी या नियोक्ता से प्रसन्न नहीं हैं तो आप अप्रसन्न ही रहेंगे। आत्मचर्चा को अपने साथ काम पर ले जाना, इसका लाभ लें। यदि अपनी नौकरी और सहकर्मियों के बारे में आत्मचर्चा करते समय आप यह सोचेंगे कि सब कुछ ठीक है तो आत्मचर्चा सचमुच सब कुछ ठीक बना देगी। आप स्वयं अपनी नौकरी के साथ प्रसन्न होने का अथवा प्रत्येक शाम नापसंद चीजों के बारे में शिकायत करते हुए घर लौटने का निर्णय ले सकते हैं। आपको क्या लगता है, एक प्रसन्न और प्रेरित कर्मचारी व दूसरे अप्रसन्न कर्मचारी के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? जिसके लिए कभी कोई चीज ठीक नहीं होती, यह उनके दृष्टिकोण और भावनाओं का अंतर है जो पूरी तरह इस बात पर निर्भर होती है कि वह कर्मचारी अपने काम को स्वस्थ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के प्रति संकल्पित है या नहीं। जिन कर्मचारियों को बड़े अवसर मिलते हैं वे प्राय उन्हें अपने आप पैदा करते हैं। विश्वास करें कि आप नौकरी में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसा करके आप उन लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावनाओं को और भी बेहतर बना सकते हैं। यदि आप कभी देखें कि आप अपनी नौकरी को लेकर दोष खोजने, शिकायत करने, आलोचना करने या द्वेष करने की आदत से घिरते जा रहे हैं तो एकांत में अपने आप से चर्चा करें।
कुछ लोगों की हालत तो आपसे भी खराब है, उनमें से कुछ तो आपके इस अवसर से प्रेम करेंगे। आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय आपको उत्कृष्ट बनने, स्वयं से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने और इस उम्मीद को विश्वास में बदलने का अवसर देता है। आपकी सफलता सदा इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं और आप अपने आप को सबसे अधिक क्या बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। यदि आप स्कूल में अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाना और कौशल को विकसित करना चाहते हैं, हो सकता है कि इस पल आप स्कूल में ना हो, लेकिन यदि हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं तो आपकी आत्मचर्चा ही वह निर्णायक तत्व होगी जो यह तय करेगी कि आप वहां शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोण से कैसा प्रदर्शन करेंगे। आत्मचर्चा बुनियादी बातों में आपकी सहायता कर सकती है। यह बेहतर तरीके से सुनने और अधिक एकाग्र बनने में आपकी सहायता कर सकती है। इसके द्वारा आप पढ़ने की अच्छी आदत डाल सकते हैं, लगन से जुटे रहने के संकल्प को और भी अच्छा बना सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को पैना कर सकते हैं, अपना मनोबल ऊपर उठा सकते हैं तथा अपनी निगाह को अपने लक्ष्य पर दृढ़ता पूर्वक केंद्रित रख सकते हैं। स्कूल में या कोई दूसरी चीज सीखते समय अच्छा प्रदर्शन करना जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में कुछ प्राप्त करने से जरा भी भिन्न नहीं है। इसमें समान दृष्टिकोणों, योग्यताओं और स्वविश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन अध्ययन करने और सीखने की कुछ विशेष मांगें होती हैं जिनमें विशेष प्रकार की आत्मचर्चा की आवश्यकता होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रोग्राम आपके आंतरिक कंप्यूटर को चलाता है वह सीखने में आपकी सफलता पर सीधा प्रभाव डालेगा। यदि आप स्कूल में या उसके बाहर कुछ सहायता लेना चाहें तो यह सुनिश्चित करें कि आपके कंप्यूटर में वह प्रोग्राम हो जो आपको मनचाही मंजिल तक ले जाए। अपने पाठ्यक्रम में आत्मचर्चा को अवश्य जोड़ लें और विश्वास करें कि इसके बाद आपको स्कूल से और अपने आप से और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप कभी निराश हों, अकेलापन महसूस करें या हताश हो जाएं, यदि आपके जीवन में चीजें गड़बड़ा रही हैं, तो यह अपना प्रोग्राम बदलने और परिस्थितियों को दोबारा सही दृष्टिकोण से देखने का समय है। अकेलेपन या अवसाद से निपटने के लिए आत्मचर्चा का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है और इसे क्रियान्वित करना भी बहुत आसान है। आत्मचर्चा का सरोकार आपसे और आपकी सोच से है, इसलिए यह सीधे समस्या की जड़ तक पहुंच जाती है। यदि आप अकेलापन अनुभव कर रहे हैं तो ऐसे में आत्मचर्चा से आपको बहुत सहायता मिलती है। वास्तव में अकेलेपन के दौरान अपने आप से सार्थक बातचीत करना उस समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना होता है, लेकिन यह आत्मचर्चा से उत्पन्न होने वाली रीप्रोग्रामिंग है जो अकेलेपन के अनुभव को सकारात्मक व लाभदायक बनाने में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होती है। हमने ही इसे बनाया था, हम इसे बदल भी सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमने अपने जीवन में जो भी बनाया था हम उसे बदल सकते हैं, लेकिन उसे बदलना बहुत कठिन होता है। अवसाद से उपजी निराशा और हताशा अनेक लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती है, लेकिन स्वनिर्मित अवसाद कम किया जा सकता है और पूरी तरह हटाया भी जा सकता है। जिन विचारों और मनोदिशाओं के चलते यह उत्पन्न हुआ था उन्हें दूर हटाकर उनकी जगह पर आत्मचर्चा द्वारा उत्पन्न नई मानसिक तस्वीर रखी जा सकती है। देखिए, आत्मचर्चा के द्वारा हम में से कोई भी अवसाद व हताशा में पहुंच सकता है, लेकिन उतनी ही आसानी से हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं। इसके लिए किसी फौलादी इच्छा या विशेष फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए तो बस शब्द दर शब्द एक नए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जो हमारे विश्वास को दोबारा निर्देशित कर और आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में हमारी तस्वीर को बदल दे। हम परिस्थितियों को चाहे जैसा वैसा देख सकते हैं। हमारे पास यह विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। यदि हम अपनी परिस्थितियों को हताशाजनक देखना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि हम अपनी परिस्थितियों को संतोषजनक, आशाजनक, परिवर्तनीय और सकारात्मक रूप से संभव देखना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सही परिणाम के लिए केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती, इसे कुछ ही अधिक की आवश्यकता होती है। इसलिए सब कुछ पहली बार सही नहीं हुआ था, हमने अपने आप को सही तस्वीरें नहीं सौंपी थी।
सही परिणाम पाने के लिए सही प्रयास नहीं किया था। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम में से कोई भी बहुत कुछ कर सकता है। आत्मचर्चा के अवसर असीमित हैं। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप या मैं जिससे भी मिलते हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम में से कुछ के जीवन का अर्थ केवल एक या दो क्षेत्रों में बेहतर बनना या सफलता प्राप्त करना होता है, परंतु कई अन्य लोग प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन के उन हिस्सों, समस्याओं, परिस्थितियों या अवसरों की सूची बनाएं जिनसे निपटने, उबरने अथवा जिन्हें प्राप्त करने में आत्मचर्चा आपकी सहायता कर सकती है, तो यह सूची लगभग अंतहीन होगी। यदि आप बेहतर आत्मसम्मान विकसित करना चाहते हैं, अधिक काम करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, कोई नई योग्यता सीखना चाहते हैं, अधिक रचनात्मक बनना चाहते हैं, तनाव कम करना चाहते हैं, अपनी परवाह करना चाहते हैं, चिंता छोड़ना चाहते हैं, अवसाद से उबरना चाहते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहते हैं या किसी भी चीज में अधिक सफल होना चाहते हैं, तो आत्मचर्चा की प्रोग्रामिंग ही आपकी सफलता की बुनियाद है। दिमाग में आने वाली किसी भी नौकरी, करियर, पद, कार्य या अवसर के बारे में सोचें। हमारा मुकाबला चाहे किसी भी परिस्थिति से हो, हम में से किसके सफल होने की बेहतर संभावना है? क्या वे लोग अधिक सफल होंगे जिन्होंने अपने डर या बाधाओं के पार छलांग लगाने के लिए स्वयं को आत्मविश्वास या संकल्प का अतिरिक्त लाभ दिया है, या फिर वे अधिक सफल होंगे जो अपनी संभावना का प्रतिरोध करते हैं, अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग में ही अटके रहते हैं और अनिश्चितता, शंका और अविश्वास के साथ जीते हैं? आप क्या चाहते हैं? एक पल के लिए किसी ऐसी समस्या की कल्पना करें जिससे आप इसी समय उबरना चाहें, या कोई परिवर्तन जो आप अपने जीवन में या स्वयं में करना चाहें। यदि दो लोग होते और उनमें से एक सकारात्मक, उत्पादक और आत्मचर्चाकार होता और दूसरा नहीं होता, तो आप किसे वोट देते? मैं जानता हूं मैं अपना वोट किसे देता।